स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले जो स्टैटिस्टिक्स का मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने मीन डिस्क्रीट सीरीज में आपको करना बताया था और डायरेक्ट मेथड से बताया था। तो आज हम लोग मीन को डिस्क्रीट सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड से करना सीखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मीन बाई शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड एक ही होते हैं। तो ये दे रखा है, मार्क्स दे रखे हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हुए हैं। तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है। और आप इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ मीन, और इसमें एक कॉलम बन जाएगा मार्क्स का। मार्क्स में लिख लेंगे 5, 15, 25, 35, 45 and 55। दूसरा कॉलम एक बना लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसमें दे रखे हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, 25, 30, 30 हो गया, 20 और 10। अब मार्क्स को हम कहेंगे X और ये है F फ्रीक्वेंसी। एक थर्ड कॉलम और बना लेंगे जिसको कहेंगे DX और DX में A यानी एज्यूम कर लेंगे हम। DX का मीन्स होता है डेविएशन फ्रॉम X, और इसमें एज्यूम कर लेंगे इसमें से कोई सा भी हम एक मान सकते हैं। तो हमने 25 मान लिया और 25 से इनका डेविएशन लेंगे। तो इन वैल्यूज में से 25 को हमें लेस करना है। तो अगर 5 में से 25 को लेस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। 15 में से 25 को लेस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 25 में से 25 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 35 में से अगर 25 को लेस करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। और 45 में से अगर 25 को लेस करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस का। और 55 में से अगर 25 को लेस करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। ये DX आ गया और ये F है। अब एक फोर्थ कॉलम और बन जाएगा FDX, और FDX में 5 और इसकी इस कॉलम की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसे 5 और 20 की कर लेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। और ये 100 हो जाएगा, 10 to 100 हो जाएगा। 25 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 30 के 10 से करेंगे तो प्लस का 300 हो जाएगा। 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। और 10 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। और अब इसका टोटल कर लेंगे तो माइनस के 200 हो गए, 100 और 100 200 हो गया। और ये प्लस के हो गए 3, 4, 7, 7, 3, 10, 1000 हो गए। तो अगर देखा जाए तो 1000 प्लस का है और 2200 माइनस का है, तो हमारा प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं। और 800 प्लस का ये बचेगा। अब इधर फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेंगे जो कि हमारा एन कहलाता है। 5, 5, 10 ये n का टोटल, f का टोटल आ गया जो कि हमारा n कहलाएगा। n इक्वल्स टू 100 हो गया। और अब फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे।
फॉर्मूला है एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और ए हमारा चुकी था 25, तो 25 लिख लेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा प्लस का 800 है तो 800 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, एन हमारा 100 था 100 लिख लेंगे, और 25 प्लस 10 से 10 गया, इस 10 से ये 0 गया, 25 प्लस 8 ये हमारा आ गया 33 मार्क्स, एंस मीन इज इक्वल टू 33 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया है, और अब एक और न्यूमेरिकल इसी तरह से लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज का ये क्वेश्चन होगा। वेल स्टूडेंट्स, तो ये और न्यूमेरिकल है, और इसमें कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से हमको इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, और इसमें पहला कॉलम बना लेंगे वेजेस का, वेजेस लिख लेंगे 15, 25, 30, 32, 36, 51, 55, 60, 75, 85 एंड 90। सेकेंड कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, यानी लेबरर्स का जो नंबर्स है वो लिख लेंगे 10, अगेन 10, अगेन 10, 4, 3, 14, 6, 12, 2, 3, 5। इसको हम F कहेंगे, फ्रीक्वेंसी हो गई है, और ये X हो गया, और एक थर्ड कॉलम बनाएंगे DX, और यानी डेविएशन फ्रॉम X, डेविएशन फ्रॉम ये जो वैल्यूज दे रखे हुए हैं उनसे डेविएशन लेना है, और इसमें A हम ले लेंगे, कोई सा भी ले लेते हैं, इसमें जैसे कि हम 51 ले ले रहे हैं, 51 ये ले लिया हमने, और इससे डेविएशन हम ले लेते हैं, तो डेविएशन आ जाएंगे 36 आ गया, 25 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 26 आ गया ये, और 30 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा हमारा 21, और 32 में से अगर इसको लेस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा, और 36 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो माइनस का 15 आ गया, और 51 में से 51 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 55 में से 51 को लेस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारा 4, ये यहां से प्लस में आने शुरू हो जाएंगे, 60 में से अगर 51 लेस करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, 75 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा, और 85 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो
प्लस का 34 आ जाएगा, और ये 90 में से अगर 51 को लेस करेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा, प्लस का 39 आ जाएगा। तो ये dx वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, और अब एक फोर्थ कॉलम बनाएंगे fdx का, fdx जिसमें ये जो f है और dx है इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसकी, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 360 माइनस का 360 हो गया, और ये माइनस का 260 हो जाएगा, 10 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 260 हो जाएगा, 10 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 210 हो जाएगा, और ये 76 हो जाएगा, 19 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 76 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 45, 14 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, 6 4 24 प्लस के 12 9 108 और 24 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 48, 34 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी फाइव और 39 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 195। तो ये FDX का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, माइनस के कितने होते हैं देखते हैं। हो गया माइनस का, और प्लस का देखते हैं, 477 हो गया माइनस का 951 हो गया। तो यहां पर हमारा ये बचेगा, माइनस के बचेंगे 474 बचा माइनस का, और अब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल लगा लेते हैं जो कि हमारा एन कहलाएगा। प्लस ये हमारा एन आ गया 79। तो अब फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे हम लोग, एक्स बार यानी मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इक्वल्स, ये आ जाएगा हमारा वही 51 प्लस, अब चूंकि FDX का टोटल हमारा माइनस में है तो इसको यहां पर माइनस में लिख लेंगे, माइनस 474 और ये N हमारा आ जाएगा 79 और अब इसको सॉल्व करेंगे 51। अब ये प्लस साइन यहां पर है माइनस यहां पर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 474 अपॉन 79, 474 को 79 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो देखते हैं 474 डिवाइडेड बाय 79, सिक्स अगर करेंगे तो 6 आया है यहां पर। तो मीन इक्वल्स टू 50। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक और न्यूमेरिकल है और इसको सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ मीन हेडिंग डाल लेते हैं। और इसमें पहला कॉलम बन जाएगा नंबर ऑफ कॉल्स का, नंबर ऑफ कॉल्स, इसको लिख लेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। सेकेंड कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, और इसको हम कहेंगे F, ये X हो गया, फ्रीक्वेंसी में 12 रखा है पहला, दूसरा है 39 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 51 आ जाएगा और 43 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया, नंबर ऑफ कॉल्स का बन गया, और तीसरा कॉलम बनेगा dx का, यानी डेविएशन फ्रॉम x, चूंकि इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसलिए ये थर्ड कॉलम कहलाएगा। ये इसमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, बीच में हमने 4 ले लेते हैं जैसे, तो इन सारे वैल्यूज को जो है इसमें से घटाएंगे, 7 में से जैसे हम ये लेस करेंगे तो हमारा प्लस का आ जाएगा 3, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा 5 में से जब इसको लेस करेंगे, और 4 में से 4 या 0 हो जाएगा। अब 3 है तो 3 में से अगर 4 को लेस करेंगे तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 2 में से अगर 4 को लेस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 में से अगर 4 को लेस करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमारा ये जो dx का कॉलम हो गया, और अब चौथा कॉलम बन जाएगा f dx का, और f और dx की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का 36 हो जाएगा, 39 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ट हो जाएगा, और 40 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 51 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 43 का 1 से करेंगे तो माइनस का 43 हो जाएगा, 25 का 2 से करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, और 21 का 3 से अगर करेंगे माइनस का 63 हो जाएगा, और 14 का 4 से अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब टोटल कर लेते हैं प्लस के और माइनस के, प्लस का हमारा आ जाएगा 154 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का देख लेते हैं 212 हो गया, तो माइनस के ज्यादा है इसलिए हमारा आंसर ये माइनस में बचेंगे, ये तो देखते हैं कितना बचेगा, माइनस का 58 बचा। और इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, ये n आ गया हमारा 245 आ गया, और एफ डी एक्स का टोटल आ गया ये माइनस का 58। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n, मीन इक्वल्स टू a की जगह पर हमारा 4 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एफ डी एक्स हमारा माइनस में है 58 है अपॉन
एन की जगह पर हमारा 245 आ जाएगा फोर। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और 58 को 245 से भाग कर देंगे इसको, तो ये 58 को जब 245 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.237। तो मीन निकालने के लिए हमें 4 में से इसको लेस करना पड़ेगा, 4.000 लिख लेंगे और 0.237 लिख लेंगे। इसको जब लेस करेंगे तो हमारा बचेगा 3.763। ये हमारा मीन बचेगा, यानी नंबर ऑफ कॉल्स हैं ये। तो एंस मीन इज इक्वल टू 3.763, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये 3 न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करके बताए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी मेथड से आप अपने जो आपकी बुक है उस बुक में से और भी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को, इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो हैं उनको भी आप पूरा शुरू से आखिर तक देख लें और बार बार देख लें, जिससे आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।